देश के आखिरी सतीकांड का आखिरकार 37 सालों बाद फैसला आ ही गया, जिसमें लगभग सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। लेकिन क्या था 1987 का वो सतीकांड जिसने पूरे देश को हिला दिया था? नमस्कार, मैं उज्ज्वल मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। सीकर जिले में रूप कंवर की मौत को पति की चिता पर लेट कर खुद के प्राणों को त्यागने वाला देश का यह आखिरी सतीकांड कहा जाता है। महज 18 साल की उम्र में रूप कंवर ने अपने पति माल सिंह शेखावत की चिता पर लेटकर खुद को जला दिया था। इस घटना से 7 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। रूप कंवर ने पति माल सिंह शेखावत की चिता के साथ जब खुद को जलाया तो स्थानीय लोग उनकी मौत के बाद घटनास्थल पर ईंट रखकर चुनरी चढ़ाने लगे। उन्होंने ऐसी धार्मिक क्रियाएं की जिसने रूप कंवर को सती के रूप में महिमामंडित कर दिया। रूप कंवर सतीकांड की पहली बरसी 22 सितंबर 1988 को मनाई गई। इस दौरान राजपूत समाज ने भी इसका खूब महिमामंडन किया। समाज के लोगों ने देवराला से अजीतगढ़ तक एक जुलूस भी निकाला, लेकिन बारिश की वजह से वो ज्यादा आगे जा नहीं सका। इसके बाद रात 8 बजे 45 लोगों ने एक ट्रक से अजीतगढ़ तक ये जुलूस निकाला। महिमामंडन करने के आरोप में पुलिस ने 45 लोगों को गिरफ्तार किया था। 2004 में अदालत ने 45 में से 25 आरोपियों को बरी कर दिया था। 6 आरोपियों की मौत हो गई और 6 फरार घोषित कर दिए गए। अब 8 आरोपियों को बरी कर दिया गया। 1988 में गिरफ्तार किए गए 45 लोगों में महेंद्र सिंह, श्रवण सिंह, निहाल सिंह, जितेंद्र सिंह, उदय सिंह, नारायण सिंह, भानवर सिंह और दशरथ सिंह शामिल थे। इनमें से 4 आरोपी जमानत पर छूटने के बाद फरार हो गए। 8 के मुकदमे के दौरान मौत हो गई। 2 दशक पहले ये बरी किए गए 25 आरोपियों में बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ और कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास भी शामिल थे। देश के आखिरी सतीकांड मामले में आखिरकार राजस्थान के स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में 8 आरोपियों को बरी किया है। अब तक इस मामले में 11 लोगों को बरी किया जा चुका है, जिसमें बीजेपी से पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र राठौर का नाम शामिल है। दरअसल 1987 में रूप कौर के पति की मौत हो गई थी। उस समय उनकी उम्र मात्र 18 साल थी। शादी के 7 महीने बाद ही हुई मौत से वो काफी दुखी थे। पति की चिता के साथ लेटकर उन्होंने भी अपनी जान दे दी, जिसको लेकर वहां पर मौजूद लोगों ने महिमा मंडित किया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां पर जो लोग मौजूद थे उनके खिलाफ कई विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था और इसी मामले में 37 साल तक चली लंबी सुनवाई के बाद राजस्थान के स्पेशल कोर्ट ने आखिरकार अपना फैसला सुना दिया है। आपको बता दें कि जब रूप कंवर की मौत हुई थी उसके बाद से देश में सती प्रथा को लेकर कानून बनाया गया था और साथ ही इसको लेकर स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया था। अब देखना होगा इस आखिरी सती प्रथा पर फैसला आने के बाद आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन शरद बारी के साथ गोपाल कृष्ण। तो सतीकांड पर आए इस फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।